शताब्दी शताब्दी द टीचर्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों देखिए, ये आप पहचान ही रहे होंगे, ये है सहजन की फलियां जो बहुत ही छोटी छोटी होती है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो इसी की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक बंगाली डिश है जो मैं कद्दू और आलू के साथ बनाऊंगी, और जो मैं मसाले यहाँ पे मैंने लिए हैं, इन सबको जैसे जैसे मैं रेसिपी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये रेसिपी मैं कैसे बनाने वाली हूँ। देखिए, ये मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई में आज बनाऊंगी ये रेसिपी, तो इसे मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं 4 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ। इस रेसिपी में मैं ये सूखा जो ये खड़ा मसाला है ये यूज करूंगी। इसे कहते हैं बंगाली में 5 फोड़ों। इसमें मेथी, सौंफ, जीरा, कलौंजी ये सब होता है, और इसको मिक्स ही हमारे बंगालीज में पाया जाता है जो हम बहुत सारी रेसिपीज में यूज करते हैं। तो अब ये मैं तेल गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ये डालती हूँ, और इसमें मैं साबुत लाल वाली जो मिर्च होती है वो डाल देती हूँ। फिर इसको फ्राई कर लूंगी। अगर आप लोगों के पास ये 5 फोड़ों नहीं है तो आप अलग अलग खड़े मसाले जैसे साबुत जीरा, सौंफ, मेथी, कलौंजी, ये तो सभी के पास होती है घर में, तो उसी को मिक्स करके भी आप इस तरह से 5 फोड़ों बनाकर यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने 2 बड़े आलू इस तरह से काटे थे, इसको मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी जब तक ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। देखिए दोस्तों, आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है। यहाँ मैंने कद्दू ले रखा है। कद्दू, आलू और सहजन की फली ये सब मिला के कम 700 ग्राम है। तो यहाँ मैंने कद्दू ले लिया है, आप करीबन 200-250 ग्राम जो है वो कद्दू ले लीजिएगा। और देखिए मैंने किस तरह से इसको काटा है, तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब देखने में अच्छा लगे उस तरह से काटिएगा। बहुत छोटे छोटे कद्दू ना काट दीजिएगा, क्योंकि कद्दू तो बहुत जल्दी सीज जाते हैं पर आलू नहीं सीजते हैं। अब इसको भी मैं अच्छे से इसके साथ फ्राई कर लूँगी। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। इसमें जो है ये जो सहजन की फलियाँ हैं ये मैं डाल दूँगी। इसको भी थोड़ी देर तक इसी तरह से हिलाकर फ्राई करना है। ये रेसिपी बहुत जल्दी बनती है, बस आप लोगों को लग रहा है कि मैं फ्राई कर रही हूँ। हाँ, फ्राई करना बहुत जरूरी है, वरना टेस्ट नहीं आएगी फिर इस सब्जी में। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। एक इंच लिया है मैंने अदरक, साबुत जीरा 1/2 टीस्पून, और मैंने 1 हरी मिर्च को लेकर इसको पीस लिया है, ये इसमें डाल देती हूँ। इसमें यही मसाला पड़ता है। वन फोर्थ टी स्पून यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया है। 1 टीस्पून यहाँ मैं डालूंगी धनिए का पाउडर। 1 टीस्पून नमक, और नमक तो आप अपने अंदाजे से भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर तक फिर से मिक्स करके फ्राई कर लूंगी। दोस्तों, वीडियो आप जब तक लास्ट तक देखेंगे नहीं तब तक आपको ये रेसिपी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। ये खाने में इतनी टेस्टी होती है कि आप बनने के बाद आपसे इंतजार नहीं होगा, आप इसे ऐसे ही खा लेंगे। देखिए, बंगाली डिश में कद्दू की कोई भी डिश बनती है तो उसमें थोड़ी सी चीनी जरूर डाली जाती है, तो इसमें मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून चीनी। अगर आप लोगों को किसी को भी चीनी अगर किसी को नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। वैसे टेस्ट तभी आती है इस रेसिपी की जब इसमें चीनी पड़ता है। तो अब इसको भी मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। इसमें मैं करीबन 1/2 कप पानी डालूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये सब्जी बहुत ज़्यादा तरी वाली नहीं बनती है, ये थोड़ी सूखी सूखी ही बनती है। तो अब मैं करीबन 10 से 15 मिनट ढककर रखूंगी, और बीच में अगर देखने की ज़रूरत पड़े तो देख लूंगी। देखिए, ये करीबन 10 मिनट हो चुका है,
मैंने बीच में दो बार ढक्कन खोलकर इसको उलट पुलट किया था ताकि सारी सब्जियां अच्छे से सीझ जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बनकर तैयार है। बस थोड़ा सा पानी मैं इसमें और सुखा लेती हूँ। आप देख ही रहे हैं कि रेसिपी कितनी अच्छी सी बनी है। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसे सर्व कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने रेसिपी अभी सहजन की फली की बनाई है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए गर्मा गर्म मैंने परोसा है। आप लोग भी जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये एक बंगाली डिश है पर बनती बहुत इजीली है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे अगर आप क्लिक करते हैं तो मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेगी।